हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पापा कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, वर्तमान में हमारे देश में सड़कों की कुल लंबाई 60 लाख किलोमीटर से ज़्यादा है, जो यूएसए के बाद वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। इसके बावजूद हमारे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और पुराने रोड को अपग्रेड करके उसे भी वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। इसी के लिए भारत सरकार के द्वारा भारतमाला और सागरमाला की शुरुआत की गई है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में। ये 1250 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बनने के बाद इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई के बीच ट्रेवल टाइम को 24 घंटे से घटाकर 12 घंटे कर देगी। लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के बजट से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जो 26 जनवरी 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा और इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर लगभग 10 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के किनारे सोलर प्लांट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी व्यवस्था होगी। पूरी तरह से तैयार होने के बाद ये एक्सप्रेसवे इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे के साथ साथ इंडिया का सबसे मॉडर्न और सबसे हाईटेक एक्सप्रेसवे भी होगा। तो आइए और डिटेल्स में जानते हैं इस एक्सप्रेसवे के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंडिया की नेशनल कैपिटल दिल्ली और इकोनॉमिक हब मुंबई के बीच देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। ये एक एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जो दिल्ली के पास गुरुग्राम से स्टार्ट होकर अलवर, कोटा, रतलाम, बड़ोदरा के रास्ते मुंबई तक जाएगी। वैसे तो ये एक्सप्रेसवे गुरुग्राम से स्टार्ट होगी, लेकिन कई सारे रूट से इसे दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, पलवल समेत एनसीआर के अलग अलग शहरों से इस एक्सप्रेसवे को जोड़ा जा रहा है। 1250 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन की होगी, जिसे भविष्य में 12 लेन तक किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे का फाउंडेशन स्टोन यानी कि इस एक्सप्रेसवे के काम की शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2019 को और 26 जनवरी 2023 को ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का ज़्यादातर हिस्सा राजस्थान, एमपी, गुजरात के बैकवर्ड एरिया से होकर गुजरेगा, जिस कारण इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद इन बैकवर्ड एरियाज़ में भी विकास के नए रास्ते खुलेंगे। वर्तमान में अगर आप दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली बाय रोड जाते हैं तो आपको लगभग 1450 किलोमीटर दूरी तय करनी होगी, जिसमें लगभग 24 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली एवं मुंबई के बीच की दूरी केवल 1250 किलोमीटर रह जाएगी और इसे ट्रैवल करने में मात्र 12 घंटे का वक्त लगेगा। तो इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से टाइम के साथ साथ फ्यूल की भी काफ़ी बचत होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। ग्रीनफील्ड को ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए वर्तमान में जो रोड या हाईवे है उसी को अपग्रेड कर दिया जाता है, और दूसरा ऑप्शन होता है वर्तमान रूट को छोड़कर एक नया अलाइनमेंट या रूट बनाया जाता है। तो जो नया रूट बनाया जाता है उसे ही ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहा जाता है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई की कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग कर देगी। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के बारे में भी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दुनिया का सबसे लंबा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसकी प्लानिंग 2006 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जापान के द्वारा किया गया था। लगभग 1500 किलोमीटर लंबा इस कॉरिडोर में 24 इंडस्ट्रियल रीजन, इसके अलावा 8 स्मार्ट सिटी, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 5 पावर प्रोजेक्ट, साथ ही 2 लॉजिस्टिक हब भी बनाए जाएंगे। अब जान लेते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के बारे में। नेशनल कैपिटल दिल्ली और इकोनॉमिक हब मुंबई के बीच रेलवे की डबल लाइन की कॉरिडोर बनाई जा रही है, जो कि 1483 किलोमीटर होगी। इसका निर्माण अलग अलग फेस में किया जा रहा है। ये दिल्ली के निकट दादरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, से स्टार्ट होकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि नवी मुंबई में है, को कनेक्ट करेगी। इस पूरे रूट को कई सारे सेक्शंस में डिवाइड करके काम किया जा रहा है, जिसमें कुछ सेक्शंस का काम फाइनल स्टेज में है। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए बैकबोन की तरह काम करेगी। कैसा लगा आपको आज का वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब कर दीजिए।